नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाकर। आप देख रहे हैं बीटीएस लाइव न्यूज़ और आज हम आपको लेकर के आए हैं यहाँ एक नहर के ऊपर। और ये चरखी दादरी में ऐसे निकलती है नहर, और यहाँ इस नहर का नाम है बधवाना डिस्ट्रीब्यूटरी। और इस डिस्ट्रीब्यूटरी का कार्य ये है कि इसका जितना भी पानी है वो ज़्यादातर जो पानी है वो अलग अलग जल घरों में जाता है, जहाँ से जो सप्लाई होता है पानी लोगों के घरों के लिए। लेकिन अगर मैं आज आपको यहाँ पर लेके आया हूँ तो इसका कारण ये नहीं है कि यहाँ से जो जल घरों में पानी सप्लाई होता है। यहाँ पर सबसे जो बड़ी जो दिक्कत जो आ रही है पिछले काफ़ी समय से, यहाँ पर जो सीवरेज का जो पानी है वो सीवरेज का पानी यहाँ इस नहर के अंदर डाला जा रहा है। या आप मेरे पीछे देख पाएंगे ये जो पाइप टूटे हुए हैं, पाइप एक्चुअल में टूटे हुए भी नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में जो इसका जो एक पाइप है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे, जो ये पाइप है इसको निकाल करके यहाँ पर डाला गया है। और तभी से ये जो सारा जो पानी है वो यहाँ पर इसी नहर के अंदर डलने लग रहा है। लेकिन प्रशासन जो है वो इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। लगातार हमने भी इसके ऊपर बार बार हम प्रशासन से बात कर चुके हैं। पीछे कुछ दिन पहले भी हमने आपको दिखाया था कि हम एक्शन के पास गए थे, और एक्शन से भी इस बारे में बातचीत की गई थी कि क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जो पानी है, जो एक्स्ट्रा पानी है, या जो ट्रीटमेंट होने के बाद जो पानी है उसको कहाँ पर डाला जाएगा, कैसे किया जाएगा, उसके बारे में उनसे बात की गई थी। लेकिन उन्होंने कहा था कि अभी प्लान बनाया जा रहा है। इसके बारे में भी बात की गई थी कि ये जो यहाँ पर टूटा हुआ है इसकी वजह से काफ़ी जो लोगों को नुकसान हो रहा है, लोगों की का जो स्वास्थ्य है वो प्रभावित हो रहा है। यहाँ पर एक बार आपको मैं थोड़ा नज़दीक से भी दिखा दूँ कि यहाँ पर ये देखिए, बिल्कुल जो ये सामने जो आप पाइप देख पा रहे हैं, ये जो पाइप है ये यहाँ से पानी निकल रहा है। अभी भी आप देख पाएंगे, अभी जब हम आए हैं तो यहाँ से अभी ये पानी थोड़ा सा कम मात्रा में निकल रहा है, लेकिन जब पीछे से मोटर चलाई जाती हैं तो वहाँ जब मोटर चलती है तो यहाँ पर पूरे बुरी तरीके से पानी निकलता है। आप यहाँ पर अच्छे से देख भी पाएंगे, मैं थोड़ा सा और नज़दीक से आपको दिखाऊं तो यहाँ आप देख पाओगे कि बहुत ज़्यादा झाग बने हुए हैं यहाँ पर। और जो अगर आप यहाँ पर स्मेल कर पाते तो यहाँ बहुत बुरी दुर्गंध आ रही है, क्योंकि पानी थोड़ा सा चलता हुआ है तो इसलिए अब जैसे पानी कम आ रहा है तो उसकी वजह से थोड़ी सी दुर्गंध यहाँ पर अभी कम है। लेकिन बहुत ही बुरी हालत है, अभी भी जो हालात हैं वो यहाँ के कोई अच्छे नहीं हैं। और यहाँ से हम लोगों के जो घरों में है, पूरी दादरी में यहाँ से पानी जाता है, आसपास के गांवों में यहाँ से पानी जाता है। इसी डिस्ट्रीब्यूटरी का जो पानी है वो जल घरों में पहुँचता है और वहाँ से वो साफ़ पानी करके पहुँचाया जाता है। लेकिन जब इतनी सारी गंदगी वहाँ पर डाली जाएगी तो क्या होगा? यहाँ पर हमारे साथ में उधर दो जो किसान हैं वो उधर वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करके दिखाते हैं आपको कि उनका क्या कहना है कि कितनी बुरी हालत है यहाँ पर। क्योंकि लगातार जो किसानों के द्वारा, गांव वालों के द्वारा भी यहाँ पर ये जो लगातार प्रशासन से बातचीत की जा रही है, क्योंकि हम आपको बता दें कि इस तरफ जो है समसपुर गांव है, और समसपुर गांव में जहां वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, और इसके दूसरी साइड में, इस साइड में जो है ये ढाणी फोगाट गांव यहां पर नज़दीक लगता है, और वहीं पर ये जो पाइप है ये यहां पर तोड़ दिया गया है। और तोड़ने के बाद अब हालात ये हैं कि यहां पर इसको ठीक करने वाला कोई नहीं है, जबकि इसको बड़े ही आसानी से ठीक किया जा सकता है। आप यहाँ पर खूब अच्छे से देख पाएंगे कि जो पाइप है वो बिल्कुल यहाँ नीचे गिरा हुआ है, और इस पाइप को बस उठा करके दोबारा से इन दोनों पाइपों को यहाँ पर कनेक्ट करना है, जिससे कि ये जो पानी है आगे जहाँ पर भी सप्लाई के लिए जाता था खेतों में सिंचाई के लिए, वहाँ पर जाया चला जाए, ना कि पीने के पानी में यहाँ पर मिक्स हो। ये सबसे बड़ी जो है ये बड़ी ही दिक्कत वाली बात है। अगर हम आपको दिखाएं तो दोनों साइड में ही दूसरी तरफ भी जो हालात हैं वो ऐसे ही झाग बने हुए हैं पूरे के पूरे जो गंदे पानी के। यहाँ पर हमारे साथ एक किसान मौजूद हैं, हम जब यहाँ पर आए तो वो भी यहाँ पर मौजूद थे, और आइए चलिए उनसे बात करते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है अपना? नाम है सुनील कुमार है जी। सुनील जी, क्या कुछ हालात हैं ये, जो कैसे हुआ है? इसमें ये पाइप डेली चलाते हैं, 2 घंटा चलती रही, भी आया था जी, भी चल रही थी, मैंने एक रास्ते में जाने वाला आदमी जा रहा है तो उसको मोबाइल लेके मैंने सरपंच साहब से फोन कराया। मैं सरपंच साहब, मैं बगीलोट के ऊपर, पुल के ऊपर खड़ा हूँ, इसलिए न्यू पानी चल रहा है, गंदा का लीला पानी आ रहा है, पानी का सप्लाई का नहर का है ये, आगे डिग्गियों में गाँव में जाता है, इसमें पानी के पानी पीने के लिए इसमें गंदा पानी चलता है, कोई समाधान नहीं होता। आज भी चल रहा था क्या? आज भी चल रहा था, पूरा चल रहा था। मैंने सरपंच बाजे, सरपंच वाला ये भी आया, अभी आया, सरपंच ने नहीं आया, फिर मैं धरना पे गया हूँ, धरना पे आदमी में से कहा, फोन करके कहा भाई उसको समाधान करो, के पानी गाँव में पानी नहीं है,
डिग्गी में पानी नहीं है, गांव तसाया मरता है। कौन कौन से गांव में इससे पानी जा रहा है? इसमें सारा जा रहा है, चढ़िया भी और चढ़िया महेंद्रगढ़ नारनौल ये ठेठ जा रही है पानी की सप्लाई। अभी अगर हम आसपास के गांवों की अगर बात करें तो ये लगभग कौन कौन से गांव में? ये डाणी टकान जी और मंदोला मंदोली जी और चढ़िए अरे दूध हुआ गौरा कर इन गाँव में जाती है, दादरी में भी जाता है, दादरी में सप्लाई जाती है, दादरी में भी इसमें इस पानी नहर का जाता है। तो यहाँ पर देखिए कितनी बुरी हालत है, आप खुद देख पाएंगे कि जहाँ पर अगर सीवरेज का पानी ही वापस पीने के पानी में मिलाया जा रहा है तो उसके बाद हालत क्या होंगे, लोग बीमार होंगे, काफी तरह की जो बीमारियां हैं उनसे ग्रस्त हो जाएंगे। और लेकिन प्रशासन जो है वो कोई काम नहीं कर रहा। प्रशासन से आप लोगों की कितनी बार प्रशासन के दो बार कर लिया, अशोक ने भी बात कर ली, सब ने कर ली, मैं कमाते भैया नहर कमा का आग अफसर है बड़े हैं, उस पर सरपंच साहब ने लिख के अखबार में कटवाई थी, अखबार में भी आ रही है, कोई समाधान नहीं हुआ इस बात का। ये देखिए बिल्कुल कोई समाधान नहीं हो रहा है। आज इसी वजह से हम लोग भी यहाँ पर पहुँचे कि आज आपको एक्चुअल स्थिति दिखा पाएं कि क्या हालात हैं यहाँ पर। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको दिखा भी दूँ कि ये आप मेरे पीछे यहाँ पर देख पाएंगे पूरा का पूरा जो बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड के ऊपर सारी चीज़ें लिखी हुई भी हैं यहाँ पर कि क्या कुछ इसका काम है, कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, क्या कितनी क्षमता है, जो पूरी नहर के बारे में यहाँ पर पूरा बता रखा है। यहाँ पर बाकायदा उन्होंने मेंशन कर रखा है सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के द्वारा ये नहर बनाई गई है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीने का पानी भी इसी से सप्लाई हो रहा है, तो यहाँ से वो जो चीज़ें हैं वो यहाँ इसी नहर से होती हैं और उसके बावजूद जो हालात हैं वो काफ़ी बदतर हैं। चलिए कुछ और ग्रामीणों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है, क्या आगे उनकी वो कार्रवाई करने वाले हैं और क्या कुछ जो प्रशासन है वो कर रहे हैं। जी 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 सर, सरपंच साहब जी कही थी, सरपंच साहब नलगाम में मीटिंग थी, सरपंच साहब नलगाम ने बंद करवा दी, सरपंच साहब को नहीं बंद करवाई, जब भी चल रही है सरपंच साहब जी को नहीं गोड़ रहा, कोई काम नहीं गोड़ रहा, प्रशासन भी नहीं गोड़ा जी। अरे ये पानी लगभग कितनी देर चलती है ये चल रही जी? एक घंटा, मैं एक घंटा, हाँ एक घंटा खेत में आता हूँ, मैं डेली देखता हूँ खेत के अंदर आऊँ, ने एक घंटा मोटर चलाते हैं। आपका यही नजदीक में खेत? हाँ मेरा खेत इधर है लग रहा है जी। जी देखिए एक घंटे तक कि बहुत सारा पानी जो है गंदा पानी इस पानी में मिल रहा है। चलिए बात करते हैं कुछ और ग्रामीणों से भी, उनका क्या कहना है, उनसे भी बात करके देखते हैं कि उन्होंने किन किन लोगों से बातचीत की और क्या कुछ अब जो प्रशासन है वो कह रहा है। तो देखिए जो अभी हमने आपको लोगों को दिखाया कि जो गंदा पानी है वो बधवाना डिस्ट्रीब्यूटर में डाला जा रहा है, जन स्वास्थ्य विभाग की जो पाइप है वहाँ पर वो टूटी पड़ी है, लेकिन उसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग जो है सॉरी जन स्वास्थ्य विभाग जो है वो उसको ठीक नहीं करवा रहा है। तो अभी वहाँ पर हमने एक किसान से बात की, यहाँ पर अब हम पहुँचे हैं जो यहाँ डाणी फोगाट में जो किसान धरना चल रहा था उसी धरना स्थल पर हम पहुँचे हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे किसान यहाँ पर मौजूद हैं, डाणी फोगाट के भी हैं और आसपास के गाँव के लोग भी हैं, तो यहाँ इनसे भी जानते हैं कि इनका क्या कहना है कि जो इस तरह का जो पानी जो गिराया जा रहा है उससे क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा। जी भाई साहब क्या नाम अपना? नौरतन है। कौन से गाँव से हैं? डाणी फोगाट से। डाणी फोगाट से, तो आपका गाँव भी इसी बधवाना डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि वहीं से पानी पीने का आता होगा। बिल्कुल गंदा पानी आता है। अच्छा तो अब ये जैसे वहाँ पे पानी डल रहा है तो उसके बाद से क्या कुछ क्या बीमारियाँ भी कुछ फैल रही हैं? बीमारी फैल रही है, सब बीमार हो पड़े, बाल बच्चे सब जुड़े। अच्छा तो इस बारे में आप लोगों ने प्रशासन से बात करी कभी? कई बार कह दी, अभी पाइप टूटा पड़े वो पाइप संभालो उसको, लेकिन फिर भी कोई नहीं कर रहा। संभाल नहीं कर रहा जी। कितने टाइम से है भाई साहब ये जो हालात जो ये बने हुए हैं? ये तो कोई साल साल भर से ऐसा ही चल रहा है। हाँ। क्योंकि पाइप तो ये शायद अभी अभी कुछ टाइम पहले टूटा है, पहले भी टूट रहा था, पहले भी टूटा रहता था। हाँ। जी तो यहाँ पर देखिए पहले भी पाइप टूटा रहता था और लोगों से भी बात करते हैं। जी ताऊ जी क्या कहोगे जो ये हालात जो अब जो बने हुए हैं गंदे पानी टोला दिया था जी बाल, फिर बाद में फिर तोड़ दिया, टूटा नहीं, आप तो तोड़े ही तोड़ देते हैं उस पाइप को। अच्छा तो उसकी वजह से जो अब जो गांव में जो पानी आ रहा है वो गंदा आ रहा है, गंदा आ रहा है, तो पीने का पानी का कैसे क्या इंतजाम करते हैं? इंतजाम को नहीं हो रहा, टैंकर से डलवाते हैं। टैंकर से डलवा रहे हो? हाँ जी। तो उसमें तो काफी पैसा लगता होगा? पैसा 400 रुपये एक टैंकर का लगता है। देखिए 400 रुपये पर टैंकर के हिसाब से देना पड़ रहा है लोगों को, जहाँ पानी पहुँचाने का कार्य जो था वो इस नहर के द्वारा हो सकता था, साफ पानी मिल सकता था लोगों को, लेकिन अब लगातार टैंकर डलवाना पड़ रहा है लोगों को गंदे पानी की वजह से। जी यहाँ पर हमारे साथ युवा भी हैं, क्या कहोगे भाई इस तरह का अगर पानी आता रहे तो क्या हालात होंगे? हालात ख़राब, नहरा भी 15 दिन हो गए अब तक पानी डाली फवाट में, घूट भी नहीं आया, सारा गंदा पड़ रहा है यहाँ पे, सारा जितना भी गिरा गंदा नाले का। अच्छा नहर का पानी तक घूट भी नहीं आया,
आगे जो मत नहीं लगा सब चल रहे ना। अरे क्या कारण है कि वहाँ से जो आप लोगों की वाल भी जो है बंद कर रखी है? वो पहले बंद कर रहे थे एक बार, अच्छा अब फिर खोल दी। अच्छा अब देख लो आप, देख देख के गंदा काम हो रहा है जी। तो यहाँ पर देखिए पानी भी नहीं है, अब जो गंदा पानी आ रहा है उसकी वजह से वहाँ से नहीं आने दे रहे। वो तो पता नहीं पीछे कैसे नहीं आता, गंदा पानी चल रहा है, डग्गी में पानी भी खत्म हो रहा है, कोई पानी। जीताऊ जी, कितने टाइम से आप इस तरह की जो समस्या है वो देख पा रहे हैं? ये समस्या घने दिन से देख रहे हैं जी। और ये पानी आता है ना, डांगर भी बीमार हैं और बच्चे बीमार हो जाते हैं जी। और फिर पानी आता है दादरी से जी, टैंकर भरवाते हैं, टैंकरों जमा कर एक टैंकर यो जान ला जी। देखिए देखिए यहाँ पीछे मैं दिखा देता हूँ कि ये टैंकर की जो सप्लाई है वो यहाँ पर जाने लग रही है। और जाहिर सी बात है कि ये इस तरह से अगर टैंकर ही आने हैं तो जो इस तरह जो काफ़ी सारी जो चीज़ें जो सरकार के द्वारा की जानी होती हैं, पानी लोगों को साफ पानी मुहैया करना सरकार की जिम्मेदारी होती है, प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, वहाँ पर कहीं ना कहीं जो है ये चूक हुई है। और यहाँ ये जितने भी किसान यहाँ पर मौजूद है, आप यहाँ पर मेरे साथ देख पाएंगे कि काफ़ी सारे किसान यहाँ पर मौजूद है, सभी का यही कहना है कि आसपास में जो अब इस नहर में जो गंदा पानी आ रहा है उसकी वजह से हर जगह गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। तो क्या मानते हो जी कि प्रशासन को क्या करना चाहिए इसमें? ये टैंक है, ये आप धरना सालस पर धरना दे रहे था जी, वो धरना कारण उन उठाने के लिए इनने ये पाइप तोड़वाए। अच्छा। जो घोड़ा पोड़ी के पास है जी, वो तोड़वा दिया जी, वो जन स्वास्थ्य विभाग ने तोड़वाए, उनने तोड़वाए। अच्छा ना, ये अभी तक नहीं टूटे जी, और इसे वो गंदा पानी नहर मारा, हमने गांव की सप्लाई भी बंद कर रखी है। कोई तो गंदा इसको, पानी इसको लेकर के आप लोगों ने कोई कंप्लेंट कहीं पे करोगे? वो बताई थी सरपंच को जी, सरपंच ने आगे कुछ कार्रवाई की करा, इनने कोई कार्रवाई नहीं करी है अभी तक, कोई कार्रवाई नहीं। हाँ, ये खुद गवर्नमेंट का काम है गलत काम करवाना जी जी, जी, जी। आप क्या कहोगे जी, अब इसके ऊपर आगे आप लोग क्या कार्रवाई करवाने? कार्रवाई के आ जाए तो कहो मोटर बंद है जी, और मोटर ताली का जी। अभी भी हम जब पहुंचे हैं वहाँ पे चल रहा था कुछ, धीरे धीरे पानी चल रहा था, काफी सारा पानी अभी भी आ रहा था, लेकिन हालांकि अभी शायद हो सकता है कि मोटर बंद होगी, लेकिन पानी अभी भी आ रहा था। ये बंद कहता इसका कोई समाधान नहीं जी। तो यहाँ पर देखिए जो मोटर है वो शायद जब चलती है तब बहुत ज़्यादा पानी आता है, और उसकी वजह से जो पूरा का पूरा जो यहाँ पर गांव है वो परेशान है। यहाँ पर एक भाई और भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी हम बात करेंगे जी। भाई साहब क्या नाम है अपना? राजपाल जी। कौन से गाँव से हैं जी? डाणी फोगाट से। तो जी, ये लगातार गंदा पानी चल रहा है बदवाना डिस्ट्रीब्यूटरी में, उसकी वजह से आपके घरों में गंदा पानी पहुँच रहा होगा, तो क्या कुछ परेशानियाँ आ रही हैं? जी बहुत सारी परेशानियाँ हैं, इतना गंदा पानी आ जाए तो पशु पी सकते, आदमी में तो बात ही नहीं, और इसी तरह बीमारियां हो जाएंगी। ठीक है, मौसम ऐसा चल रहा है पहले से ही बीमारी का, फिर और ज़्यादा पानी गंदा आना तो पशु पी सकते न उसे ढंग से आदमी पी सकते। ठीक है, सरकार वैसे तो स्वास्थ्य के लिए ये किया वो किया, इतनी सारी चीज़ें डिंगे मारती है, लेकिन जब पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है तो कितनी सारी बीमारियाँ, पता आपको पहले गरीब किसान को वैसे ही समस्या रहती है, ऊपर से बीमारी है, गंदा पानी। तो विभाग से बात की होगी तो विभाग क्या कर रहा है? विभाग को लिख के दी थी लेकिन किसी के कान पे जरूर नहीं, कोई समाधान नहीं कर रही वो, कोई समाधान नहीं, जाते जो करते भरोसा दिला देते हैं ठीक हो जाएगा, ये कर दें वो कर दें, कुछ होता नहीं, कुछ नहीं होता यार। चलिए, तो यहाँ पर देखिए जो हालात हैं वो बद से बदतर बनते जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए हम थोड़ा सा और आगे आए हैं, जहाँ पर पानी जो मिक्स हो रहा था उससे थोड़ा सा आगे आए हैं, और यहाँ पर एक ये पंप हाउस है बदवाना डिस्ट्रीब्यूटरी का, पंप हाउस नंबर एक है। और यहाँ पर आप यहाँ देख पाएंगे कि जो पूरा का पूरा जो हालात है वो आप खुद देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जितने झाग बने हुए हैं ऐसे झाग कभी भी साफ पानी में कभी भी नहीं बनते हैं। और यहाँ इस पंप हाउस से इसको आगे पंप करके और ये पूरी नहर जो है ये आगे जाती है, और आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो गंदा पानी है यहाँ पर भी आपको जैसे दिखाई दे रहा होगा कि बिल्कुल काला पानी यहाँ पर दिख रहा है, और ये ऐसे का ऐसा आगे तक पहुँच रहा है। और यहाँ इस तरह का जो पानी है वो हमारे जो आगे जा कर के जल घरों में पहुँच रहा है, और वही हमारे साथ कुप पीने को मिल रहा है। यहाँ पर हमारे साथ जो यहाँ पर पंप हाउस पे वर्क कर रहे हैं वो दो कुछ लोग हैं, यहाँ इनसे बात करते हैं। जी भाई साहब क्या नाम अपना? रविंद्र फोगाट। रविंद्र जी क्या काम करते हैं आप यहाँ पर? मैं सर हेल्पर की पोस्ट पे हूँ। हेल्पर की पोस्ट पे है। रविंद्र जी, ये जो पानी आ रहा है इस तरह का जैसे दाग उठे हुए हैं, क्या कारण लग रहा है इसका? सर इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, हमारे पास जो पानी आता है हम उसको लिफ्ट करके नहर में डालते हैं। तो आपको इतना तो पता होगा कि जैसे पीछे जो पाइप टूटे हुए हैं सीवरेज पाइप के, वो उसकी वजह से काफ़ी सारा पानी मिल रहा है? हमें पता नहीं सर इस बारे में जी, हमें पता हमारी टूटी यहाँ है,
अच्छा, ये आप सिविल डिपार्टमेंट से पता करो सर। ठीक है, हमारे वो ठीक है, वो ठीक है। हम तो सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जो ये इस तरह से जो झाग बन रहे हैं, क्या साफ पानी में भी ऐसे ही झाग बनते हैं? कभी-कभी बन जाते हैं ऐसे, कभी-कभी बनते हैं। और ये लगातार बन रहा है क्या? अब लगातार से चल रहा है ये दो दिन। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से गंदा पानी आ रहा है। क्या पता गंदा पानी आ रहा है पीछे से, कहां से, करनाल से, अंबाला से, कहां से आया है ये पता हमें पता नहीं। अच्छा, वैसे पानी गंदा आ रहा है, सड़ भी रहा है ये पानी, समय ला रही है। काफी दूर से अगर कोई गंदी चीज मिलती है तो लगभग तल के पानी में पता नहीं चलता, लेकिन नजदीक से अगर मिलती होगी तो पता चलता होगा। दैट मींस कि नजदीक से कहीं ना कहीं से पानी मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं मानना इनका भी है कि कहीं ना कहीं पानी में जो है गंदा पानी जो मिक्स हो रहा है, और उसकी वजह से यहाँ पे हो रहा है सारी चीजें। आप यहाँ पर आप भी काम करते हैं यहाँ? हाँ, क्या नाम है अपना? मेरा नाम अदर सिंह है सर। किस पोस्ट पे हैं? चार्ज मैन हूँ सर। चार्ज मैन। तो देखिए, जो यहाँ पर वर्कर हैं उनका भी यहाँ पर कहीं ना कहीं मानना है कि कहीं ना कहीं पीछे से जो है वो गंदा पानी मिक्स होकर के आ रहा है। इसका ये अगर मैं पूछूँ तो ये जो आगे जो पानी जा रहा है इसका कहाँ कहाँ पर यूज हो रहा है? ये सर RD-62 नहीं, क्या पीने के लिए भी इस पानी का यूज हो रहा है? ये पता नहीं सर, हमें पीने के लिए है क्या, खेती के लिए? तो यहाँ पर भाई साहब भी बता रहे हैं कि पीने के लिए जो ये पानी है वो यहाँ से जाता है, और अगर इस तरह की जो हालात हैं अगर वो यहाँ पर हैं तो वो कहीं ना कहीं जो है लोगों को बीमार करने का जो एक पूरा बेहतरीन साधन यहाँ पर बना दिया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो पानी है वो बिल्कुल गंदे तरीके से यहाँ पर जाने लग रहा है, और इसका कोई भी अब इलाज यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ अगर वहाँ से उस पाइप को किसी तरीके से ठीक किया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है जो जन स्वास्थ्य विभाग है उसका कार्य है, अगर वो वहाँ से ठीक करता है तो जो पीने का पानी कहीं ना कहीं साफ तरीके से आप लोगों को मिल पाएगा। आपको अगर हमने जैसे अभी लगातार पीछे दिखाया भी कि वहाँ पर जो गंदे नाले का जो पानी है मिक्स हो रहा है, वहीं अगर उससे आगे की बात करें तो जो पंप हाउस नंबर 1 है उसके ऊपर आपने देखा कि कितने बुरी तरह से वहाँ पे झाग बने हुए हैं उस गंदे पानी की वजह से। वहीं पर साथ में आपने हम आपको एक चीज़ और भी दिखाएं अगर वहाँ की, तो कि वहाँ एक बोर्ड के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ कि इस पानी में नहाना तक भी मना है। जिस पानी में नहाना मना है, जिस नहर के पानी में नहाना मना है, उस नहर के पानी में गंदा पानी डाला जा रहा है, वो आप खुद समझ सकते हैं कि क्या बुरी हालात वो आगे कर सकता है। तो आप लगातार हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हम आपको और भी आगे ऐसी जो चीज़ें हैं वो आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए वीटीएस लाइव न्यूज़। मैं सोमेश ढाका, वीटीएस लाइव न्यूज़ के लिए।